तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीसी कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है, जो पूरे स्ट्रक्चर का चाहे बीम हो या स्लैब, पूरा एंटायर लोड डायरेक्टली अंडरनीथ सोइल पर ट्रांसफर करता है। मतलब यह है कि पूरी बिल्डिंग कॉलम्स पर ही स्टैंड करती है। ज्यादातर बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिर्फ डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के कारण भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें आरसीसी कॉलम का एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी कॉलम को कंस्ट्रक्शन करने के बेसिक प्रोसीजर के बारे में। तो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं विशाल गोयल, आपका होस्ट, एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ आपके अपने चैनल माइ इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और अगर आप चाहते हैं हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो से अपडेटेड रहना, तो बेल बटन को दबाकर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आरसीसी कॉलम मेनली चार डिफरेंट स्टेजेस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें पहला है कॉलम लेआउट वर्क, नंबर टू कॉलम रीइंफोर्समेंट वर्क, नंबर थ्री कॉलम फॉर्म वर्क, और नंबर फोर पोरिंग ऑफ कंक्रीट। आइए इन सभी प्रोसेसेस को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो पहला है कॉलम लेआउट वर्क। यह कॉलम कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप है, जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से परफॉर्म किया जाता है। इस स्टेप में फील्ड में कॉलम की लोकेशन को प्रैक्टिकली डिसाइड किया जाता है, जिसे लेइंग रोप्स को ही ग्रिड लाइन मानकर परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल उसी वे में जिस तरीके से ये ग्रिड ड्राइंग में शो की गई है, और कॉलम की लोकेशन को मार्क कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा स्टेप है कॉलम रीइंफोर्समेंट वर्क का। तो जब कॉलम की मार्किंग हो जाती है, फिर एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग कॉलम रीइंफोर्समेंट को प्लेस किया जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो रीइंफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग में दिया गया है C1 12 16 mm डाया एंड स्टीरअप 10 mm डाया एट द रेट 4 इंच सेंटर टू सेंटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि C1 कॉलम में 16 mm डाया के 12 नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स है, जिसमें 10 mm डाया का स्टील सेंटर टू सेंटर 4 इंच की स्पेसिंग में देना है एज ए स्टीरअप्स। ओके फ्रेंड्स, तो कॉलम रीइंफोर्समेंट वर्क के दौरान हमें कुछ पॉइंट चेक करना बहुत ही जरूरी है, जैसे नंबर वन वर्टिकल बार्स का डाया और नंबर ऑफ बार्स, नंबर टू वर्टिकल बार्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है, नंबर थ्री चेक करनी है डेवलपमेंट लेंथ, जो डाया ऑफ बार पर डिपेंड करती है, नंबर फोर सेम हाइट पर जाने के लिए अल्टरनेट बार्स में लैपिंग कितनी है, नंबर फाइव लैपिंग कभी भी बीम और स्लैब के अंदर नहीं आनी चाहिए, नंबर सिक्स कॉलम लैपिंग हमेशा एल बाय थ्री और टू एल बाय थ्री होनी चाहिए एज पर स्ट्रक्चरल नोट्स, नंबर सेवन एज पर ड्राइंग स्टीरअप स्पेसिंग, नंबर एट हुक राइट एंगल पर प्रॉपर बैंड होना चाहिए, और सबसे लास्ट पॉइंट कि हमें स्टीरअप्स के कॉर्नर को चेक करना है, वर्टिकल बार्स स्टीरअप एज के राइट एंगल पर प्रॉपरली बाउंड होने चाहिए बाइंडिंग वायर के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ चेकलिस्ट है जो हमें जरूर चेक करनी है कॉलम रीइंफोर्समेंट करते हुए। तो थर्ड स्टेज है कॉलम फॉर्म वर्क। क्योंकि कॉलम स्ट्रक्चर का लोड कैरी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलम वर्टिकली अलाइनमेंट में हो, ताकि ये लोड को प्रॉपरली ट्रांसमिट कर सके। इसलिए कॉलम शटरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ये फ्रेश कंक्रीट के प्रेशर को बियर कर सके और अपनी पोजीशन पर बनी रहे कंक्रीटिंग के दौरान। तो कुछ गाइडलाइंस हैं कॉलम शटरिंग की, जैसे नंबर वन, सबसे पहले तो एक कंक्रीट पैड, जिसे स्टार्टर भी कहा जाता है, कास्ट करना होता है शटरिंग फिक्सिंग करने से पहले, ताकि कंक्रीट शटरिंग अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे प्रॉपर अलाइनमेंट में, जिसकी थिकनेस लगभग 45 mm से 60 mm तक होती है और प्रपोज्ड कॉलम की डायमेंशन के जितनी भी हो सकती है, और स्टार्टर शटरिंग फिक्सिंग से एक या दो दिन पहले ही क्योर्ड होने चाहिए, ताकि ये इतने हार्ड हो सके कि इनके चारों तरफ शटरिंग को फिक्स किया जा सके। नंबर टू, कॉलम बॉक्स और कॉलम शटरिंग प्लाईवुड शीट या स्टील शीट की होनी चाहिए विद एडिक्वेट स्टिफनर्स। नंबर थ्री, ऑयल और ग्रीस की एक थिन फिल्म शटरिंग के इनर सरफेस पर अप्लाई होनी चाहिए, ताकि कंक्रीट हार्ड होने के बाद इसे इजिली रिमूव किया जा सके। नंबर फोर, शटरिंग प्रॉपरली वर्टिकली अलाइनमेंट में होनी चाहिए, और इसकी डायमेंशन एक्यूरेसी चेक करने के लिए कॉलम डायगोनल भी चेक करना चाहिए। नंबर फाइव, फॉर्मवर्क प्रोप से प्रॉपरली सपोर्ट होना चाहिए, कंक्रीटिंग पोरिंग के समय शटरिंग हॉरिजेंटली या वर्टिकली कहीं भी मूव ना करे। नंबर सिक्स, शटरिंग ज्वाइंट्स के गैप प्रॉपर सील्ड होने चाहिए, या तो प्लास्टर से या पीस ऑफ वुड से, स्लरी लीकेज प्रिवेंट करने के लिए। नंबर सेवन, शटर्स के इनर फेस और रीइंफोर्समेंट में एक सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, जिसके लिए हम 40 mm तक के कवर ब्लॉक यूज करते हैं। नंबर एट, यह प्रेफर किया जाता है कि कास्टिंग होने के बाद शटरिंग को लगभग 24 घंटे बाद ही रिमूव करना चाहिए, पर फिर भी अगर शटरिंग जल्दी रिमूव करने की नीड हो
तो एटलीस्ट 16 घंटे से पहले तो रिमूव करनी ही नहीं है। और नंबर 9, शटर्स रिमूवल बड़े जेंटली मैनर में होनी चाहिए, बिना झटके के, ताकि कॉलम्स की एज डैमेज ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये गाइडलाइंस आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की, कंक्रीट पोरिंग की, जिसके बेसिकली दो ही मेथड है, एक मैनुअली और दूसरा बाय मशीन और पंप। तो कंक्रीट पोरिंग के समय और बाद में भी हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। जैसे नंबर 1, के अगर कंक्रीट क्वांटिटी लेस अमाउंट में है तो हमेशा मशीन मिक्स यूज करें, और रेडी मिक्स कंक्रीट एक लार्जर अमाउंट ऑफ कंक्रीट के लिए। नंबर 2, कंक्रीट चाहे मैनुअली करनी हो या पंप से, क्लाइंट की अप्रूवल जरूर होनी चाहिए। नंबर 3, कंक्रीट पहले हमेशा स्लैब बॉटम तक पोर करनी चाहिए और फिर बीम और स्लैब की एक साथ। नंबर 4, हमें कंक्रीट की फुल कॉम्पैक्शन के लिए मैकेनिकल वाइब्रेटर तो जरूर यूज करना है, पर यह ध्यान रहे फ्रेंड्स कि एक्सेस वाइब्रेशन कंक्रीट सिग्रीगेशन का कारण भी बन सकती है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कंक्रीट कॉम्पैक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 5, कंक्रीट स्लंप 160 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 6, कंक्रीट कभी भी 1.5 मीटर से ज्यादा की हाइट से पोर नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, हमेशा कॉलम में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स अवॉइड करने चाहिए। नंबर 8, एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग कवर हमेशा प्रॉपरली देना चाहिए। नंबर 9, कंक्रीटिंग के दौरान टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। और नंबर 10, कंक्रीट पोरिंग और वाइब्रेटिंग के बाद हमें कॉलम को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कॉलम की कंस्ट्रक्शन करते हुए। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और उम्मीद करूंगा कि मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।